लुधियाना के श्री दुर्गा माता मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की एक विशाल शोभा यात्रा निकलने जा रही है, जिसकी संध्या फेरी श्री ज्ञानस्थल मंदिर में निकाली गई और इस संध्या फेरी के मौके भक्त जनों में हर्ष और उल्लास देखने को मिला। इस मौके जानकारी देते हुए श्री ज्ञानस्थल मंदिर के जनरल सेक्रेटरी रमेश गुम्बा ने बताया कि यहाँ संध्या फेरी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई और भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में उन्होंने सभी को आने की अपील की, जो कि लुधियाना के श्री दुर्गा माता मंदिर से निकलकर लुधियाना के विभिन्न स्थानों से होता हुआ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में समाप्त होगा। रथ यात्रा जो कि 19 दिसंबर को दुर्गा माता मंदिर तो निकाली जा रही है, उसके बीच अज संध्या फेरी शंगलावड़ा सवाल निकाली गई, जो कि ज्ञानस्थल मंदिर सभा ज्ञानस्थल मंदिर समाप्त हुई। संगत ने बड़ा आनंद माणिया तो भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अज भगवान कृष्ण जगन्नाथ की रथ यात्रा जी कि 19 तरीक को लुधियाना में बड़े धूम धमाके निकल रही है, उस उपलक्ष्य में अज संध्या फेरी श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा के पहुंची है और इस सभा इस संध्या फेरी के सारे ही लुधियाना वासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ये सारा शाहपुर रोड जोड़ा है किशनमय हो गया है। मैं सारे नगर निवासियों इस संध्या फेरी की बहुत बहुत बधाई देना हाँ और नाले अपील करता हाँ 19 तरीक को निकलने वाली शोभा यात्रा जी कि दोपहरे 12 बजे निकलेगी दुर्गा माता मंदिर तो उसे भी सारे हुम हुमा के पहुँचो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की संध्या फेरी जी कि जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप के सारे लुधियाने वासियों को आनंदमय कर रही है और ये रथ यात्रा जी है ये बच्चों तो लैके बजुर्गों तक सब दे पूरा जोश भरिया होया है और हर जगह श्री कृष्ण जी राधे जी के गुणगान किए जा रहे हैं। बाजारों में खूब शोभा यात्रा के जड़े लंगर लगे हुए हैं और कुछ अपने अपने रूप के लोग सारे खुशियां मना रहे ने, भंगड़े पा रहे ने। इहदी असली जिहड़ी शोभा यात्रा है 19 तरीक नूं जिहड़ी निकलनी है उहदे विच सारे जिन्हें भी भगत जन है उन्होंने हुम हुम आ के भाग लेना है, हिस्सा लेना है और एक एक गली एक एक सड़क ते भगवान जी का नाम जिहड़ा लिया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ जी और राधे जी ये सारी दुनिया नूं तारनहार हैं, इन्हां दा तारनहार होना जिहड़ा है उही साडे वास्ते भगती है, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਆਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਸੰਧਿਆ ਫੇਰੀ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਕੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਮੇਂ 10 ਦਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਫੇਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ ਗਈ। उसी का आज ये एक हिस्सा था कि हमारा ज्ञानस्थल मंदिर लुधियाना शहर का एक केंद्रीय स्थान है। यहाँ पर पहले से ही बहुत से अच्छे से कार्य आए, जैसे विधवा पेंशन और बच्चों के लिए स्कूल, कंप्यूटर स्कूल, सिलाई स्कूल, यहाँ पर पहले ही काफ़ी समय से चल रहे हैं। तो आज इसी के एक कड़ी में जोड़ते हुए हमने भगवान जगन्नाथ जी की संध्या फेरी का भी आयोजन यहाँ पर किया और जो बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। मैं सभी शहरवासियों से एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख को जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा श्री कृष्ण बलराम जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी उसमें सम्मिलित हों और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ जी की ये आज जो संध्या फेरी स्टार्ट हुई है श्री शंगला श्वाला से शुरू हुई है और श्री जगन्नाथ मंदिर में ही इसका समापन समारोह हुआ है। और जो श्री कृष्ण बलराम जी की रथ यात्रा 19 तारीख को होगी वो श्री नव दुर्गा मंदिर से शुरू होगी और नव दुर्गा मंदिर BRS नगर में उसका समापन होगा। जय जगन्नाथ जी की। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।